नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे करंट अफेयर्स के इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है अनुज तोमर। और आज की इस वीडियो में जो 6 अप्रैल के करंट अफेयर्स के प्रश्न है वो इस वीडियो में हम करने वाले हैं। और इस पूरी वीडियो का जो PDF है, PDF का लिंक मिलेगा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। दो ग्रुप हैं और आप कोशिश कीजिए सिर्फ एक ग्रुप में जुड़ने की, दोनों ग्रुप में ना जुड़ें ताकि और भी बच्चों को जगह मिल पाए। तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, सब्सक्राइब के बाद ये बेल का आइकन आएगा उसको दबा देना ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। और पहला प्रश्न है हमारा कि बेंगलुरु में किस क्रिकेट कोच को हाल ही में राष्ट्रीय क्रिकेट अकेडमी के निदेशक का अतिरिक्त कार्यभार भी सौंपा गया है। तो वो किसको सौंपा गया है, तो जो राष्ट्रीय क्रिकेट अकेडमी है उसके निदेशक के अतिरिक्त कार्यभार तो वो सौंपा गया है राहुल द्रविड़ को। ठीक है, ऑप्शन सी राहुल द्रविड़। और दूसरा प्रश्न है हमारा कि IPL 2019 में चेन्नई की तरफ से खेलते हुए किस खिलाड़ी ने 100 विकेट पूरे कर लिए हैं आईपीएल में 100 विकेट पूरे कर लिए हैं, तो वो हैं डेरेन ब्रावो। ये चेन्नई सुपर किंग की तरफ से खेलते हैं और जो मुंबई के साथ इनका मैच हुआ था उसी में इन्होंने 100 विकेट पूरे कर लिए हैं। ठीक है, डेरेन ब्रावो वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं ये। और तीसरा प्रश्न हमारा कि किस देश के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जायद मेडल से सम्मानित करने की घोषणा की है। देखिए, जो ये जायद मेडल है वो किस देश का सर्वोच्च सम्मान है, जिस तरीके से भारत का सर्वोच्च सम्मान है भारत रत्न, उसी तरीके से UAE संयुक्त अरब अमीरात, UAE यूनाइटेड अरब अमीरात का सबसे बड़ा मेडल है जायद मेडल। तो जो मतलब UAE के प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति या फिर इनको प्रिंस कहा जाता है वहाँ का, इनका नाम है मोहम्मद बिन जायद, उन्हीं के नाम पर जायद रखा गया है। तो मोहम्मद बिन जायद ने ही, जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इनको जायद मेडल से सम्मानित करने की घोषणा की है। UAE के प्रधान राष्ट्रपति हैं ये। और चौथा प्रश्न है कि IPL 2019 में कौन सी टीम 100 मैच जीतने वाली IPL की पहली टीम बन गई है। तो 100 मैच जीतने वाली टीम जो बन गई है वो बन गई है मुंबई इंडियंस। और जो चेन्नई सुपर किंग का मैच हुआ था उसी को जीतने के बाद ही मुंबई इंडियंस 100 मैच पूरे जीत गई है IPL में। ठीक है, वो है मुंबई इंडियंस। और ध्यान रखिए, अभी बताया था कि 100 विकेट पूरे करने वाले कौन से खिलाड़ी थे, तो वो थे ब्रावो। ठीक है, उन्होंने चेन्नई सुपर किंग की तरफ से खेलते हैं, 100 विकेट पूरे किए थे 2019 में ही और 100 मैच पूरे जीत लिए हैं इस बार मुंबई इंडियंस ने। और पांचवा प्रश्न है कि हिंदी की प्रसिद्ध साहित्यकार और सामाजिक कार्यकर्ता रमाणिका गुप्ता का हाल ही में कितने वर्ष की आयु में निधन हो गया है। तो जो रमाणिका गुप्ता हैं इनका हाल ही में 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। ये समाजसेवी, साहित्यकार और राजनीति से भी जुड़ी हुई थी और इनका नाम क्या है, रमाणिका गुप्ता, और 89 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। ठीक है, रमाणिका गुप्ता ये साहित्यकार भी, सामाजिक कार्यकर्ता भी, और ये पॉलिटिक्स से भी जुड़ी हुई थी। और छठा प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय सेना ने किस राज्य में मैत्री पुल का निर्माण किया है। तो जो भारतीय सेना है उसने मात्र 40 दिनों में ही इस मैत्री पुल का निर्माण किया है, सिंधु नदी पर इस पुल को बनाया गया है, और जम्मू कश्मीर के लेह में, और ये जम्मू कश्मीर में बनाया है। ठीक है, जम्मू कश्मीर के लेह में मैत्री पुल का निर्माण किया गया है, भारतीय वायुसेना ने मात्र 40 दिन में इस पुल का निर्माण किया था। यदि हम बात करते हैं इस पुल की लंबाई की, तो कुल मिला के 260 फीट इस पुल की लंबाई है और इस पुल का नाम क्या है, मैत्री पुल या फिर मैत्री ब्रिज। और सातवां प्रश्न है हमारा कि हाल ही में दक्षिण पूर्व एशिया देश, किस देश ने समलैंगिकता के लिए मृत्युदंड की सजा का प्रावधान किया है। तो ये एकमात्र ऐसा मुस्लिम देश है जिसने जो मुस्लिम कानून थे उसको पूरे देश में लागू किया है, तो वो है ब्रुनेई ने। अभी जो मतलब समलैंगिकता कानून था, जैसे कि भारत में भी 377 लागू हुआ था, तो उसी तरीके से यहाँ पे ये अपराध नहीं है, समलैंगिकता अपराध नहीं है, लेकिन जो ब्रुनेई है उसने मतलब एक तरीके से मृत्युदंड, ऐसा मृत्युदंड है जिसे पत्थर से, मतलब जो इस कानून को तोड़ेगा तो उसको पत्थर से, उसके मतलब पत्थर मार के उसकी मृत्यु कर दी जाएगी, मतलब उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। ठीक है, तो कौन सा देश है वो है ब्रुनेई। और हमारा आठवां प्रश्न है कि एशियाई विकास बैंक ने वित्त वर्ष 2020 के लिए भारत की GDP विकास दर का अनुमान क्या रखा। तो भारत के GDP जो विश्व बैंक के अनुसार क्या है, तो
भारत की जीडीपी एशियाई विकास बैंक के अनुसार हम बात करते हैं 2019-20 में क्या रहेगी, तो ये 7.6 से घटकर 7.2 अनुमान है कि जो एशियाई विकास बैंक ने भारत की जो जीडीपी है 2019-20 में उसका अनुमान लगाया है 7.2। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 7.2। इससे पहले 7.6 थी, अब घटा के 7.2 अनुमान लगाया है। क्लियर। तो वैसे इस वीडियो में इतना ही था। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए और कमेंट में लिखकर बता सकते हैं कुछ कहना चाहते हैं, और सब्सक्राइब नहीं किया आप लोगों ने तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो मेन प्रश्न होते हैं, अब देखिए करंट अफेयर्स तो बहुत सारे बन सकते हैं लेकिन जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न होते हैं वही सिर्फ मैं इस वीडियो में लेके आता हूँ, और इसका PDF भी आपको नीचे लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। अब देखिए ज़्यादा क्वेश्चन करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आपको। देखिए पर डे के आराम से हम 15 से 20 क्वेश्चन डेली बना सकते हैं, लेकिन फ़ायदा कुछ नहीं, ना तो आप उनको याद रख पाएंगे और ना ही वो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो वही पढ़िए जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। बाकी जो कंप्लीट होती है, जैसे कि मार्च था, मार्च कंप्लीट मार्च की मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें मात्र 60 प्रश्न बनाए थे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। उसी तरीके से पूरे अप्रैल की, जो जब अप्रैल कंप्लीट हो जाएगा तो ऐसे 50 से 60 प्रश्न पूरे अप्रैल के बनाऊंगा मैं लास्ट में, तो वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, उनको जरूर पढ़ लेना। और साथ के साथ आप जो डेली करंट अफेयर्स होती है इस पर भी थोड़ा ध्यान दीजिए जो महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। क्लियर। तो बस इस वीडियो में इतना ही था, देखने के लिए धन्यवाद।